रंगों का त्योहार होली सभी को प्रिय है, लेकिन बाजार में आने वाले हानिकारक केमिकल रंगों की वजह से अब इको फ्रेंडली होली ने जोर पकड़ लिया है। इस वजह से होली पर अब गुलाल गोटा की डिमांड बढ़ गई है। पहले राजा महाराजा भी जनता के साथ गुलाल गोटे से होली खेलते थे। जयपुर में मनिहारों के रास्ते में गुलाल गोटे 7 पीढ़ियों से बनाए जा रहे हैं। गुलाल गोटों का चलन महाभारत काल से ही चला आ रहा है। होली के मौके पर गुलाल गोटे को लेकर महानगर टाइम्स की खास रिपोर्ट। 7 पीढ़ियों से गुलाल गोटे बना रहे हैं आवाज मोहम्मद। सबसे पहले वृंदावन में ठाकुर जी को भेजते हैं गुलाल गोटा। गौरव पांडवों के जमाने से ही गुलाल गोटे का है चल। भारी डिमांड के चलते 2 माह पहले ही बनने शुरू हो जाते हैं गुलाल गोटा। मनिहारों के रास्ते में आवाज मोहम्मद 7 पीढ़ियों से गुलाल गोटा बना रहे हैं। वे गुलाल गोटा सबसे पहले वृंदावन में ठाकुर जी को बेचते हैं, उसके बाद राज परिवार को बेचते हैं, फिर आम जनता को उपलब्ध कराए जाते हैं। आम जनता में भी लोकप्रिय होने से गुलाल गोटा की डिमांड बहुत बढ़ गई है। कौरव पांडवों के जमाने से ही गुलाल गोटे का चलन है। 2 माह पहले ही गुलाल गोटा बनाना शुरू हो जाता है। इको फ्रेंडली होता है लाख। 5 ग्राम लाख से बनता है एक गोटा। 15 ग्राम गुलाल भरी जाती है गोटे में। 20 ग्राम का होता है एक गोटा। गुलाल गोटे में इस्तेमाल होने वाला लाख इको फ्रेंडली है। लाख राजस्थान में महिलाओं के सुहाग का भी प्रतीक है। प्योर लाख और प्योर गुलाल से गोटा बनाए जाते हैं। एक गोटा 5 ग्राम लाख से बनाया जाता है, जिसे फूकने से फुलाई जाती है, फिर उसके अंदर 15 ग्राम गुलाल भरी जाती है। इससे 20 ग्राम का एक गुलाल गोटा तैयार हो जाता है। एक डिब्बे में 6 पीस रखे जाते हैं। राजा महाराजा भी गुलाल गोटे से खेलते थे होली। हाथी पर बैठकर जनता के साथ खेलते थे होली। राजा के साथ प्रजा उठाती थी होली का भरपूर लुफ्त। गुलाल गोटा नहीं होता है हानिकारक। पहले राजा महाराजा भी गुलाल गोटे से होली खेलते थे, वहीं राजा गुलाल गोटे से सजा हुआ थाल लेकर हाथी पर बैठते थे, फिर वे गुलाल गोटा आम जनता पर फेंकते थे, जो किसी की पीठ पर लगता, किसी के हाथ पर तो किसी के सर पर। गुलाल गोटे से किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है। वही गुलाल गोटा गंगा जमनी तहजीब का भी प्रतीक है, क्योंकि मुस्लिम भाई गुलाल गोटा बनाते हैं और हिंदू भाई इसे होली खेलते हैं। इसमें दोनों में प्रेम और भाईचारा बढ़ता है। लाख के कारीगर राजस्थान से चले गए थे खाड़ी देश। समाप्त होने की कगार पर आ गया था लाख का काम। फिर पिता के कहने पर आवाज मोहम्मद ने छोड़ दी थी नौकरी। पहली बार बनाए गए लाख के बटन और ज्वेलरी हुए लोकप्रिय। आवाज मोहम्मद ने ITI कर रखी है। उन्होंने 2 साल तक इंस्ट्रक्टर की नौकरी भी की थी। फिर उनके पिता के कहने पर वे 1967 में नौकरी छोड़ चुके थे। आवाज मोहम्मद के मुताबिक उस समय लाख का काम करने वाले मुस्लिम परिवार लाडनू, झुंझुनू, चिड़ावा, रतनगढ़, हनुमानगढ़, अजमेर, जोधपुर और जयपुर में रहते थे। फिर ये सभी लोग मकान बनाने के लिए खाड़ी देश में चले गए थे। वहां उनको 5,000 से 7,000 रुपए महीने के मिलते थे। तब लाख का यह काम लगभग खत्म होने की कगार पर आ गया था। तब पिता ने नौकरी छुड़वाकर पुश्तैनी काम करने को कहा। मैंने IT कर रखी थी, इसलिए नया प्रयोग किया और पहली बार लाख के बटन बनाए। उस समय लाख के बटन काफी लोकप्रिय हुए थे। फिर लाख की चूड़ी के अलावा ज्वेलरी भी बनाई। इसके बाद मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आवाज मोहम्मद अभी तक 20 से भी ज्यादा देशों में लाख की कला दिखा चुके हैं। G20 सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने भी इन्हें बुलाया था। वहां पर सभी देशों के राष्ट्र अध्यक्षों के सामने इन्होंने सिर्फ 2 मिनट में गुलाल गोटा बना लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित सभी ने उनकी कला की सराहना की। अब ये गुलाल गोटे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता के साथ ही अमरीका और लंदन तक जाते हैं।